है। धनबाद का चर्चित भूमि घोटाला मामला, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने तीनों आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने के संचिका पर सहमति दे दी है। धनबाद के तीन पूर्व जिला भू अर्जन पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के एसीबी के प्रस्ताव को सीएम ने स्वीकृति दी है। गोलकडीह मौजा मामले में लाल मोहन नायक है आरोपी। आईएसएम से जुड़े जमीन मामले में उदयकांत पाठक और नारायण विज्ञान प्रभाकर आरोपी है। सहयोगी अरुण बनवाल जुड़े हुए धनबाद से। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, ये बड़ी कार्रवाई होगी ऐसे घोटालेबाजों पर जो सरकारी अधिकारी रहते हुए ऐसे घोटालों को अंजाम देते हैं और संरक्षण देते हैं, ये बड़ी कार्रवाई मानी जाए? निश्चित रूप से ये जो एक धनबाद में अपने आप अपने तरीके का ये अनोखा घोटाला था, इसमें मुआवजे की राशि की घोटाला की गई थी। भू अर्जन के नाम पर जमीनें तो जिनके थी उनसे ले लिया गया था, लेकिन उसके मुआवजे का भुगतान उनको बहुत सीमित मात्रा में किया गया था और बाकी बिचौलिए इसको खा गए थे। 2013 से ये मामला स्टार्ट हुआ था, और जबकि धनसार हीरक रोड के मामले में इस तरह के जमीन का अधिग्रहण किया गया था और उसके जो वास्तविक लाभुक थे उनको पूरी तरह का मुआवजा की राशि नहीं देकर बिचौलियों के बीच बांट दिया गया था। तो इस मामले में लाल मोहन नायक ये आरोपी थे। दूसरे आईएसएम के विस्तार के लिए जब भू जमीन का अधिग्रहण किया गया तो यहाँ उस समय दो अलग अलग टेन्योर में दो जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पहले उदयकांत पाठक और उसके बाद नारायण विज्ञान प्रभाकर, इसमें दोषी पाए गए हैं और इनके खिलाफ एसीबी लंबे समय से जांच करती चली आ रही है और सरकार से इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। आज अंततः हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री ने इसको उस पर अपनी सहमति दे दी और इन तीन पूर्व जिला भू अर्जन पदाधिकारियों पर एफआईआर करने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। तो इससे कहें तो आसिया, देखिए जो वास्तविक जो लाभुक थे उनको तो न्याय मिला ही है, लेकिन बिचौलिए भी इसमें एक तरह से कहें तो गायब हो गए हैं और उनकी भी तलाश की जाएगी, क्योंकि इस मामले में कई लोग शामिल हैं जो न सिर्फ जमीन के दलाल बल्कि इस भू अर्जन विभाग के कई नीचे स्तर के कर्मचारी भी शामिल थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसके बाद ये जाके ये भू अर्जन का जो भूमि मुआवजा जो घोटाला है वो उस पर कहें वो पूरा हो पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो ये घोटाला हुआ था, अब एफआईआर के बाद ऐसे घोटालों पर जाहिर तौर पर लगाम लगेगा, ये यकीन होगा कि देर सवेर ही सही इंसाफ जरूर मिलता है। ये मुआवजा घोटाला हुआ था भू अर्जन के नाम पर, जो विस्थापित थे उन्हें सीमित मुआवजा दिया गया था और बाकी मुआवजों का बंदरबांट हुआ था जिसमें कई लोग शामिल थे। फिलहाल बिचौलियों की भी तलाश की जा रही है और इन तीन पूर्व जिला भू अर्जन पदाधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा।